दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बड़े दिनों के बाद दोस्तों हम लोग लाइव सेशन लेने जा रहे हैं। लाइव में आज मैं आपके सबसे चहेते विषय को स्टार्ट करने जा रहा हूं, हिंदी विषय। ठीक है, तो हिंदी में दोस्तों मैं एकदम शुरुआत से आपको पढ़ाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि एक चैप्टर पर मैं सिर्फ दो दिन बात करूं और दो दिन के अंदर उस चैप्टर का बाकायदा निचोड़ ऐसा निकालूं कि आपको एक एक चीजें याद हो जाए। आपकी परीक्षा में अब तक चाहे जितनी भी परीक्षा रिकॉर्ड कर लो, उन सभी परीक्षाओं में जितने भी अधिकतम प्रश्न बन सकते हैं और आज तक आए हैं पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मात्र दो वीडियो में मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आज जो हमने चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है आपका वर्णमाला चैप्टर। ठीक है, वर्णमाला चैप्टर थोड़े मोड़े नहीं दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न यहां पर हैं। बस इत्मीनान से धैर्य रख करके आप बैठिए और देखते चलिए और साथ ही साथ आप जवाब भी देते चलिए। ठीक है, जरा ये सेशन ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो इसको ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के बाद दोस्तों हम लोग स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर थोड़ी सी प्रचार की बातें हो जाए। देखिए आपके बहुत सारे एग्जाम निकट आ रहे हैं, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी पेड क्लास को वो आ जाए, ज्वाइन कर लें पेड क्लास। ठीक है, आप स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर विजिट करें, आपको खुद बखुद पता चल जाएगी कौन कौन सी क्लासेज यहाँ पर चल रही हैं। फिलहाल तो UPSI और पेट वगैरह के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हिंदी पूछी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हिंदी में यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे पता है यार सभी लोग इसका उत्तर दे लोगे। ठीक है, एक दो तो चलने दो, एक दो का ट्रेंड थोड़ा बनने दो, आपको वैसे भी मजा आने लगेगा। ठीक है, एक बार वीडियो शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आसान सा प्रश्न है कि जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता किया जाता है, ऐसे को क्या कहा जाता है। सिंपल है ना। ठीक है, मुझे पता है, देखो सभी बच्चों ने उत्तर देना शुरू कर दिया। सर स्वर कहते हैं। सर कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। भाई कसम खा लो आप एक बात की कि अगर आपको आसान लगता है ना, तो आज मैं जितना क्वेश्चन पूछूंगा वर्णमाला से, और केवल वर्णमाला में मैंने दो टॉपिक टच किया, कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन। सिर्फ स्वर और व्यंजन से मैं अगले एक घंटे तक आपको पढ़ाने वाला हूं। आप कल्पना करो कि स्वर और व्यंजन में मैं ऐसा क्या पूछने वाला हूं। अरे यार, अ से लेकर अह तक और क से लेकर ज्ञ तक तो ही बात करूंगा ना। हाँ, उतना ही बात करूंगा, लेकिन उसमें भी आपका एक घंटे बीतने वाला है। ठीक है, तो पहले का जवाब सभी ने दे दिया कि पहला उत्तर क्या है, तो आप लोगों की तरफ से आया। सर पहला वाला जो उत्तर है इसका उत्तर है स्वर। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मान लिया मैं, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा लिख रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल वैसे वैसे हाई होता जाएगा। अगर ये पहला क्वेश्चन है तो कल्पना करो जो 40वां प्रश्न होगा वो आपकी सोच से कितना ज्यादा ऊपर होगा। आप कल्पना करो खाली। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दो। विनोद जी मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर जो जो तैयार है फटाफट बताना शुरू कर दे भाई। बताइए जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। देखिए जो कम समय होता है ना, इसी को कहा जाता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब ही क्या होता है, कम। ह्रस्व का मतलब क्या होता है, कम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हीं को क्या कहा जाता है, ह्रस्व का नाम दिया जाता है दोस्तों। तो इसको आप याद रखेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है वो यहां पर ध्यान देते चलेंगे। ठीक है ना, चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। करा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है उसे क्या कहा जाता है। बताओ जिसमें ह्रस्व से ज्यादा स्वर लगता है, समय लगता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, किससे ज्यादा। तो याद रखिए अभी आपने पढ़ा ह्रस्व स्वर के बारे में कि जहां पर अमूमन ज्यादा समय लगता है थोड़ा सा, या औरों की अपेक्षा कम लगता है वहां पर ह्रस्व होता है। लेकिन ऐसे स्वर को क्या कहा जाता है जहां पर ह्रस्व के अकॉर्डिंग दोगुना समय लगता है, दोगुना लगता है, दोगुना समय लगता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, उत्तर नहीं आ रहा है। ठीक है, उत्तर नहीं आ रहा, मैं जो पूछना चाह रहा हूं। अच्छा अच्छा आना शुरू हो गया भाई। देखिए इसको कहा जाता है दीर्घ स्वर। बहुत बढ़िया तैयारी किया है, बहुत बढ़िया आप लोगों की तैयारी चल रही है दोस्तों। तो याद रखिए यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक एक बात याद रखिए, हम लोगों ने पढ़ा स्वर किसे कहते हैं, सभी को पता है। हम लोगों ने पढ़ा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो याद रखिए जिसमें कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें दोगुना समय लगता है, ज्यादा मत बोलिएगा, दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। चलो बताओ जिसमें ऐसे स्वर को क्या कहते हैं जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, दीर्घ से ज्यादा समय लगता है। बताओ जिसमें दीर्घ से ज्यादा समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, बताओ जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ, जिसमें दीर्घ से ज्यादा समय लगता है। तो याद रखे दोस्तों, जिसमें दीर्घ से ज्यादा समय लगता है उसे कहा जाता है प्लुत स्वर। क्या नाम दिया जाता है? उसे नाम दिया जाता है प्लुत स्वर का। अच्छा, अब आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा, सर आपने तो एग्जाम्पल दिया नहीं, बस आप बताते जा रहे हो। चलो मैं भूल गया था, अभी एक बार मैं पीछे चलता हूं, आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं। दोस्तों अगर स्वरों की बात की जाए तो आपको पता है अ आ ई ये सब क्या होते हैं, ये सब स्वर होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कौन कौन से स्वर होते हैं, तो वो जो बात आएगी दोस्तों, आगे बहुत सारे टाइप है, ऐसे करते करते हम लोग जो है पूरे स्वर के बारे में देखते हैं। इसके अलावा अब अगर आप ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर में क्या होते हैं, जिसमें कम समय लगता है, जैसे अ हो गया, जैसे ई हो गया, जैसे ऊ हो गया, ये सब क्या होते हैं, याद रखे कम समय वाले होते हैं। और जो ज्यादा समय वाले होते हैं वो क्या होते हैं, तो अ की बजाय आ, तभी तो दोगुना समय लगेगा, अ की बजाय आ, या फिर ई की बजाय ई, ठीक है, या फिर ऊ की बजाय ऊ। तो याद रखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लग रहा है तब इसको कहा जाता है दीर्घ स्वर, ठीक है। और कब दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, यानी तीन गुना टाइम लगता है, जैसे आप बोलते ओम, ठीक है, तो यह और तीन गुना समय लेता है और इसे कहा जाता है प्लुत स्वर। क्या दिया जाता है नाम, प्लुत स्वर का। चलो और कठिन थोड़ा सा बात करते हैं। चलो जल्दी से बता दो मुझे, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ज्यादातर बच्चे तो जानते होंगे ना, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? सिंपल, आज मैं आपको वर्णमाला पढ़ा रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। जल्दी से बताओ कि यहां पर मूल स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी मानी जाती है, जो मूल स्वर कहे जाते हैं, ठीक है, जो मूल स्वर है। मैं आपसे स्वरों की संख्या नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मूल स्वरों की संख्या, यानी जिससे अन्य स्वरों की उत्पत्ति होती है उसे, ठीक है। जल्दी से बताइए दोस्तों, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर नहीं आएगा तो मैं तो भाई बताऊंगा, मैं तो बताने वाला हूं, ठीक है। याद रखें मूल स्वरों की संख्या है चार। अब आपके दिमाग में अगला प्रश्न आया, सर वो चार मूल स्वर हैं कौन से, वो चार मूल स्वर कौन सा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा, वो चार मूल स्वर कौन है, जैसे आपका अ हो गया, जैसे आपका छोटी ई हो गया, बड़ी हिम्मत करिएगा, अ ई, या फिर जैसे आपका छोटा ऊ हो गया, या फिर आपका जो है री हो गया, ठीक है। ये चार हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये चार हैं जो मूल स्वर कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें, मूल स्वर कहा जाता है। देखिए कई सारे बच्चे बोल रहे हैं 11, गड़बड़ हो गया ना, परीक्षा में आएगा तो गलत कर जाओगे। अगर मूल स्वरों की संख्या 11 बता दिए तो एकदम गलत हो गया, मूल स्वरों की संख्या नहीं 11 है, कुल स्वरों की संख्या 11 है। 11 कब बताओगे, जब आपसे पूछेगा कुल स्वर, तब क्या बताएंगे, तब आप बताएगा कि सर 11 है, ठीक है, ऐसे मत बताइए, ठीक है। तो याद रखिए यहां पे मैं आपसे मूल स्वर पूछा हूं। देखिए ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, एकदम अलर्ट होके पढ़िए, ठीक है, और वीडियो को सब लोग शेयर करते रहिए। अच क्या होता है, चलो बताओ अच क्या होता है, कोई तो बताए मुझे। इस प्रश्न का जो भी जवाब दे देगा चॉकलेट दिया जाएगा स्टडी 91 की तरफ से। चलो बता दो, कोई है बताने वाला, जल्दी से बताओ अच क्या होता है। अच, सर बहुत हिंदी पढ़ा, अभी अच के बारे में कभी सुना नहीं, किसी किताब में भी नहीं सुना, ये कुछ नया टाइप का वर्ड आया क्या? हाँ कुछ नया आया है, ठीक है, करंट अफेयर अपडेट कर लो, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से, सर आप थोड़ा आराम से पढ़ाया करें, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आराम से पढ़ाएंगे। तो बताइए मुझे अच क्या होता है, अच क्या होता है, ठीक है। देखिए उत्तर आना शुरू हो गया, सर अच धातु होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं सिंपल अपने भाषा में बता दूं, ज्यादा अंदर जाके पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। जैसे हिंदी में स्वर होता है ना, संस्कृत भाषा में स्वर को क्या कहा जाता है, स्वर को अच कहा जाता है। कुछ अलग से नहीं पूछा, बस खाली ऐवें ही पूछ दिया आपसे कि संस्कृत भाषा में स्वर को क्या कहा जाता है, तो याद रखेगा अच कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में स्वर को क्या कहा जाता है, तो याद रखेगा अच कहा जाता है। क्या कहते हैं, अच कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शेयर करते रहो, बहुत मजा आने वाला है। चलो बता दो मुझे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा ना कि ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिसमें कम समय लगता है ना, उसे ह्रस्व कहते हैं। जिसमें दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें तीन गुना स्वर लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो मुझे ये बता दो कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, सोच समझ के आराम से बताओ ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, वीडियो को भी शेयर करते रहो, बहुत मजा आने वाला, ठीक है। याद रखे दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या चार होती है। एक और कॉमन चीज याद रखेगा, ह्रस्व स्वर, अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया मूल स्वर, क्या पढ़ाया मैंने, मूल स्वर। याद रखिए जो मूल स्वर होते हैं वही ह्रस्व स्वर भी होते हैं और उन्हीं को बोलने में कम समय लगता है। तो याद रखे मूल स्वर में मैंने क्या बताया था आपको, अ बताया था, ई बताया था, ऊ बताया था और री बताया था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए यही चार
चार ह्रस्व स्वर हैं और यही चार आपके मूल स्वर हैं। क्या परीक्षा में कभी पूछेगा तो आप गलत करोगे? नहीं करोगे ना, सही करके आओगे ना। हमेशा याद रखेगा मूल स्वर की संख्या भी चार है और यहां पर जो आपका ह्रस्व स्वर है उसकी संख्या भी कितनी है? चार ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? वाह मेरे भाई, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कौन बच्चा है ऐसा जो बोल रहा था सर वर्णमाला में क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, अभी तो 15 मिनट बीता मेरे भाई। ठीक है, अभी आप देखो और क्या क्या आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, बस आप मजे से पढ़ते जाओ। जल्दी से बताओ मुझे कि मूल दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है या इसकी संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताओ मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है जल्दी से बताइए। मूल दीर्घ स्वर, ठीक है, जल्दी से बताइए मूल दीर्घ स्वर। चलो नहीं बता पा रहे हो तो मैं बताता हूं। यहां पे इसकी संख्या भी दोस्तों चार मानी गई। कितनी मानी गई है? चार मानी गई। ठीक है, कौन कौन सी? तो जैसे आपने पढ़ा ह्रस्व दीर्घ ना, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा, थोड़ा अच्छे से लिख दूं क्योंकि ह्रस्व में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ह्रस्व आपने ह्रस्व में पढ़ा सर अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है दोस्तों? यहां पे भी चार होता है, आ होता है अ की बजाय, ई की बजाय क्या होता है? ई होता है, उ की बजाय उ होता है और री की बजाय क्या होता है? बताओ बताओ री की बजाय क्या होता है? कोई मुझे बताए। यहां पे तो चौथा वाला री होता है, यहां पे क्या होता है? जल्दी से बताओ। अगर इनकी संख्या चार है, अगर इनकी संख्या चार है, मूर्ग दीर्घ स्वरों की संख्या अगर चार है तो यहां पर री के स्थान पे क्या होगा? बताओ जल्दी से बताओ। चलो मैं आपको बता देता हूं, बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। री भी दो तरीके से होता है, एक छोटा री होता है, एक बड़ा री होता है। सर क्या मजाक कर रहे हो, सच्ची बोल रहे हो? हाँ होता है, होता है, होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल कम कर पाते हैं, हम लोग जो है त्रुटि करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, शत प्रतिशत है कि होता ही है। ठीक है, तो जो लोग इसे नहीं जानते वो लोग जाने, वो लोग जाने। तो याद रखिए, जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, कई लोग बोलेंगे कि सर कैसे नहीं जानते। जैसे मैं बोलूं कि अगर आप आगे चल के पढ़ोगे त थ द ध न, तो ये जो त होता है ना, इसको दंत वर्ण कहा जाता है। क्या? दंत वर्ण। दंत वर्ण का मतलब होता है दांतों की सहायता से इसको बोला जाता है, बिना दांत के त को बोलना संभव नहीं है। जैसे प वर्ग में क्या किया जाता है? प जो होता है इसको ओष्ठ कहा जाता है, ओष्ठ वर्ग। ठीक है, तो याद रखिए इस वर्ग में जितने भी होते हैं प फ ब भ म, इसमें दोनों वोट अगर सटेंगे नहीं आपस में तो कभी भी आप प का उच्चारण ही नहीं कर सकते, प का उच्चारण नहीं कर सकते। करके देखो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसी तरह से जो त वर्ग होता है उसको दंत वर्ग कहा जाता है, तो फिर दांत का इस्तेमाल आप बिना किए कैसे बोल देते हो? ठीक है, तो उसी तरह से बहुत सारी त्रुटियां यहां पर होती हैं, उनको आप ध्यान दीजिएगा। तो री भी दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, यहां पर री भी कैसा होता है? बड़ा री होता है जो मूल दीर्घ स्वर में शामिल किया जाता है। परीक्षा में कभी भी पूछे कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो क्या बताएंगे? चार बताएंगे। मूल ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? चार है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? चार है। ये सभी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है दोस्तों, सीधे सीधे पूछ रहा है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा मूल दीर्घ स्वर, मैं आपको रिवाइज भी कराते चल रहा हूं कि आपके दिमाग से कोई भी बात बाहर न जाने पाए। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा दोस्तों मूल दीर्घ स्वर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया सर यहां पर आ होता है, ई होता है, यहां पर उ होता है और यहां पर क्या होता है? री होता है, बड़ा री। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? अब आपसे पूछ रहा है दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, कुल मतलब दीर्घ स्वर कितने होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बता दो मुझे दीर्घ स्वर कितने होते हैं। वीडियो को शेयर करते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं हिंदी की क्लास डेली रात में आपको इस तरीके से मिलती रहे तो आप इसको आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि वाकई अगर नितिन सर यहां पर हिंदी पढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि हिंदी की नैया आपकी पार हो गई है। और हर परीक्षा में कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, इस समय जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें हिंदी जो है सबसे ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एकदम अलर्ट होकर इसको पढ़ते रहिए और बताते रहिए। जल्दी से बताइए यहां पर इसकी संख्या कितनी है अगर हम दीर्घ स्वरों की बात की जाए। देखिए दीर्घ स्वरों की बात की जाएंगे दोस्तों, अच्छा कहीं कहीं पर देखिए मूल दीर्घ स्वर में कहीं कहीं पर इसको लोग लेते नहीं है, तो कहीं कहीं पर तीन भी देता। अगर परीक्षा मान लीजिए चार आपके ऑप्शन भी नहीं तो क्या करेंगे? तो तीन कर दीजिएगा, क्योंकि जिन चीजों का इस्तेमाल एकदम खत्म हो जाता है, जैसे अब हमारे परीक्षा में कभी प्लुत स्वर के बारे में नहीं पूछता है, कभी हमारे परीक्षा में प्लुत स्वर के बारे में क्या करता है? नहीं पूछता है। क्यों? तो याद रखे दोस्तों, इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि प्लुत स्वर का इस्तेमाल कम हो चुका है। जय कैसे कहां कहां होता है? जैसे अगर आपने पढ़ा होगा ओम शब्द, ठीक है, तो ओम जब बोलते हैं दोस्तों तो ओ होता है और ऐसे लिखा जाता है। आप कभी उठाकर देखे, आप रामायण की किताब उठाकर देखिए तो ऐसे मिलेगा को अपी,
को अपि जानते हैं ना, को अपि जब लिखा जाता था तो ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। तो याद रखिए ये कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों, याद रखिए, जो प्लुत स्वर में आते हैं लेकिन क्योंकि अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो उसको जो है नगण्य मान लिया गया, उसको हटा लिया गया। उसीलिए दोस्तों कभी कभी हो सकता है कि आपसे आपकी परीक्षा में यहां पर क्या मांग ले, यहां पर बस इतनी चीजें दे दे, तीन शब्द दे दे, आ बड़ी ई बड़ा ऊ और बड़ा री यहां पर न दे। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, उसके लिए आप एकदम चिंतित मत होइए, फ्री रहिए। यहां पर बताइए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखें दोस्तों दीर्घ स्वरों की संख्या होती है सात। कितनी होती है? सात। अब वो सात कौन से होते हैं, तो पहले याद रखिए आ हो जाता है इसमें, यहां पर ई हो जाता है, यहां पर बड़ा हो जाता है, आ ई उ, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अलावा इसमें आकर क्या जुड़ेगा दोस्तों, तो याद रखिए दीर्घों में क्योंकि तीन ऐसे हो गए, चार और जुड़ना है, तो आपने पढ़ा होगा ए ए ओ और औ, ठीक है, ए ए ओ और औ। तो याद रखिए अब इनकी संख्या हो गई सात। इस वाले में यहां पर री का इस्तेमाल नहीं होता, अगर री को जोड़ेंगे तो यहां पर हो सकता है कि संख्या बढ़कर कितनी हो जाए, आठ हो जाए, ठीक है। चलिए प्लुत स्वर तो पढ़ाता भी नहीं कोई, ठीक है, चलिए कोई पढ़ाता नहीं पढ़ाता, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना, चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं और एक से एक धमाकेदार प्रश्न देखते हैं। लिख रहा है कुल स्वरों की संख्या कितनी है। सर अभी स्वर से आप कितने प्रश्न पूछने वाले, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं भाई, आपने पहले ही बता दिया है। चलो आपने गिन लो ना स्वरों की संख्या, आपने पढ़ा आ होता है, अ होता है, आ होता है, या ऐसे ऐसे पढ़ लो, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा अ, छोटा वाला ई, छोटा वाला उ और री पढ़ा, ठीक है, और री पढ़ा, चार हो गए, फिर बड़े वाले में पढ़ा पांच, और फिर हो गया छह, फिर हो गया सात, फिर हो गया आठ, फिर हो गया नौ, फिर हो गया दस, और फिर हो गया 11, ठीक है 11। आप कहोगे सर एक और हम लोग पढ़ते थे अंग और अह, सर आपने इसको कहां छोड़ दिया, याद रखिए इसको स्वर में शामिल नहीं किया जाता है। अगर आपसे कभी कुल स्वरों की संख्या पूछे तो कितना बताएंगे, 11 बताइएगा, कभी आप 13 मत बताइएगा, कितना बताएंगे, 11। कुल स्वरों की संख्या में कितना बताएंगे दोस्तों, 11 बताइएगा, यहां पर कभी भी आप 13 मत बोलिएगा। क्यों मत बोलिएगा, क्योंकि ये जो दो दे रहा है दोस्तों, याद रखिए एक होता है अनुस्वार, अंग को बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है, और इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों ये अलग चीज होता है, इसको यहां पर आपको काउंट नहीं करना, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या अगर परीक्षा में आता है तो 11 ही बोलना है, गलती से 13 मत बोलिएगा, जो लोग 13 बोलेंगे गलत करके आएंगे, गलत करके आएंगे तो दोष मत दीजिएगा कि आपको पढ़ाया नहीं गया था, ठीक है ना। चलिए मैंने आपको गिना दिया कि एक्चुअल में स्वरों की संख्या आपको कैसे काउंट करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मुझे बता दो संयुक्त स्वर कितने होते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त माने क्या होता है, जो दो से मिलाकर बनते हैं, संयुक्त कहलाते हैं, ठीक है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है, आपसे आपको बताना है संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है। अभी स्वर खत्म होने वाला नहीं है, हमने कहा ना कि आज मैं स्वर व्यंजन पर एक घंटा आपको पढ़ाने वाला हूं, एक घंटा, तो इतना तो फर्ज बनता है ना कि आधे घंटे, चलो आधा घंटा ना सही, 25 मिनट तो स्वर के ऊपर बात किया जाए, ठीक है। तो 25 मिनट अभी चलेगा स्वर, स्वर स्वर ही चलेगा, इसके अलावा कुछ नया नहीं आएगा। तो जल्दी से बताओ संयुक्त स्वर कितने होते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या भी कितनी होती है दोस्तों, चार होती है। कौन कौन से, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था दीर्घ स्वर में कि कुल दीर्घ स्वरों की संख्या में सात पढ़ा था, तीन पुराने वाले चार नए वाले, कौन कौन से, ए था यहां पर, यहां पर ए था, यहां पर ओ था और यहां पर औ था, ठीक है। तो ए ए ओ और औ ये क्या होते हैं, ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें, इन्हें संयुक्त स्वर का नाम दिया जाता है, ठीक है। वीडियो को मन से शेयर करते रहिए, अगर सच में आप चाहते हैं कि हिंदी की क्लास इस पीक टाइम में चलती रहे तो आपको साथ देना पड़ेगा स्टडी 91 का, और डेली मैं इस तरह की बेहतरीन क्लासेस लाता रहूंगा। और याद रखिए 15-20 दिनों में ना पूरी हिंदी एक बार फिर से झमाझम समाप्त होने वाली है, ठीक है, बहुत मजेदार तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ए ए ओ और औ, ठीक है, इतनी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मुझे बताइए दोस्तों आगत स्वर कितने होते हैं या आगत स्वर क्या है। सर कहां कहां से क्वेश्चन बना रहे हैं, अरे यार अगर आप लोगों ने स्टडी 91 के हिंदी का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वहां सब पढ़ाया हूं, कुछ छोड़ा नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मैं दो साल बाद आया तो कुछ और चीजें लेकर आ गया, ठीक है। हाँ इतनी चीजें हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हो गया है, थोड़ा सा दुबला पतला हो गया हूं, थोड़ा सा हो सकता है स्मार्ट स्मार्ट हो गया हूं ऐसा, और बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। टी शर्ट वीशर्ट बन गया है, ये सब नया हो गया है, ठीक है, बाकी चीजें वही हैं, आज भी भावना वही है, रंग वही है, रूप वही है, सब वही है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए मुझे दोस्तों यहां पर आगत स्वर जो है इनकी संख्या कितनी होती है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि आगत स्वर कितने हैं या कौन सा है, कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आगत स्वरों की संख्या मैंने कह दिया तीन है,
तो कौन कौन से हैं ये बताना पड़ेगा। तो एक बार आप मुझे ये बताइए कि आगत स्वर, बहुत सारे बच्चे गलत उत्तर दे रहे, बहुत गलत उत्तर आ रहा, बहुत गलत, यही रीजन है आप हिंदी में गलत करते हैं। पता है, परेशान मत होइए, पीडीएफ चाहिए इसका, पीडीएफ चाहिए ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आज आपको पीडीएफ मिलेगा पूरे हिंदी में, जितना भी मैं वीडियो पढ़ाऊंगा दोस्तों यूट्यूब पर, इन सब का पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और अच्छा पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां आकर के पीडीएफ डाउनलोड करो, और बढ़िया पीडीएफ, ठीक है। चलो, आगत स्वर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिए आगत स्वर कहा जाता है अ को, अ, ठीक है। अब कहोगे सर ये कौन सा नया वर्ड आ गया, अ, ठीक है। अच्छा, आपने मूवी देखा होगा दोस्तों थ्री इडियट, देखा है कि नहीं, थ्री इडियट में हमेशा कॉमन डायलॉग रहता ऑल इज वेल, ठीक है। तो जब कभी ऑल लिखना होता आपको, तो आप कैसे लिखोगे, ऑल ऐसे लिखोगे, ऑल बताओ ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे, ऑल बताओ मुझे, बताओ। तो एक तरह से कह सकते हो कि इंग्लिश से आया हुआ शब्द है ऑल, ठीक है, यहां पर ऑल, तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा, इस तरह नहीं लिखा जाएगा, यहां पर कैसा होगा, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इसलिए दोस्तों यहां पर क्या होता है, जो आगत स्वर है ये होता है, और इसके अलावा इस आगत स्वर को एक नाम और दिया जाता है जो परीक्षा में आता है, तो आप में से बहुत सारे लोग 90% लोग जानते ही नहीं है कि इसी को अर्ध विवृत्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध विवृत्त स्वर, ठीक है, अर्ध विवृत्त स्वर, ठीक है, अर्ध विवृत्त स्वर। बताओ कितना मजेदार बात है ना, याद रखेगा दोस्तों आगत स्वर वाला जो ये होता ना, इसी को अर्ध विवृत्त कहा जाता है, ठीक है, अर्ध विवृत्त, ठीक है, आधा खुला हुआ, ठीक है। तो याद रखे दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए कहीं पर, कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। आगे देखिए, कर जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं, जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, जल्दी से बताइए सोच समझ के कि जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। चलो मैं आपको बता दे रहा हूं, स्वर के तीन प्रकार होते हैं। अब इसके बाद बता दो आप मुझे कि वो प्रकार कौन कौन से हैं, वो प्रकार कौन कौन से, कुछ तो बताओ मेरे भाई, कुछ तो एडिशनल करो, मुझे समझ, हिंदी मतलब पढ़ाया और आप लोग छोड़ दिए, क्या कर दिया, मैंने इतना मन लगा के हिंदी पढ़ाया यूट्यूब पे कि आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के प्यार से, लाड प्यार की वजह से आज हिंदी में दोस्तों जो व्यूज हैं वो व्यूज पहुंच गए हमारे 80 लाख तक, ठीक है, जितने तो सब्सक्राइबर नहीं है उससे कहीं ज्यादा हिंदी के वीडियोस के व्यूज चले गए, ठीक है। एक बार आप खोल के देखेगा, संधि का वीडियो, समास का वीडियो, एकदम बेहतरीन वीडियो चल रहा है। अब सोचिए अगर उतने लोगों ने पसंद किया, मतलब कुछ तो बात होगी यहाँ पे। तो याद रखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर चार है, क्या बात करें, चार नहीं मैं बता दे रहा हूं तीन है, जिह्वा के आधार पे तीन है, कौन कौन से, याद रखिए, इनको कहा जाता है अग्रस्वर, क्या कहा जाता है, अग्रस्वर, ठीक है, मध्यस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर, ठीक है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर, ठीक है, याद रहेगा क्या आपको, याद रहेगा क्या, अग्र, मध्य और पश्चस्वर, ये तीन नाम दिया जाता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है। ये जिह्वा के आधार पे दोस्तों स्वरों का विभाजन है, ठीक है, स्वरों का विभाजन है। जैसे हम लोग व्यंजन का विभाजन पढ़ते हैं कि कंठ, कंठ पहले कंठ से निकलता है, ठीक है, तो उसको कंठ वाली ध्वनि कहा जाता है, जैसे क ख ग घ ङ, ठीक है, ये कंठ से निकलता है। उसी तरह से च छ ज झ या, ये तालु से निकलता है, ट ठ ड ढ ड़, ये मूर्धा से पढ़ेंगे अभी, त थ द ध न, ये दंत से, प प ब भ म, ये ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है, ओष्ठ, ठीक है। तो ये सब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी स्वर की चर्चा हो रही है, तो स्वर पे बातचीत कर लीजिए। चलो, अब आपके मन में अगला सवाल, सर आपने बता तो दिया कि जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या तीन होती है और उसमें होता है अग्र, मध्य और पश्च, तो स्वर लगे हाथ सर आपको यह भी बताना चाहिए कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं, क्योंकि आएगा उसी 11 में, तो ये अग्र स्वर होता कौन कौन सा है, सर इसके बारे में भी लगे आप हाथ जो है बता ही दीजिए। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, अग्रस्वर किसे कहा जाता है, अग्रस्वर किसे कहा जाता है, बताओ जल्दी से। देखो, अग्रस्वर मतलब जिसमें जीव का आगे वाला हिस्सा क्या किया जाए, इस्तेमाल करके उस स्वर का प्रोनंसेशन जो है, प्रोनंसेशन किया जाए, उसे कहा जाता है क्या, अग्रस्वर कहा जाता है। जैसे यहां पर हो जाएगा ई, ई, ठीक है, ई, ई, ऊ, ठीक है, आगे, एकदम आगे, इसमें पीछे वाले का कोई, मान लो आपकी जीव है, अब जीव का आगे वाला हिस्सा खाली सपोर्ट करेगा, पीछे वाले हिस्सा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो अ, ई, उ,
ठीक है, ये चार ऐसे होते हैं दोस्तों जो क्या माने जाते हैं यहां पर, अग्र स्वर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अग्र स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? चार है। कितनी संख्या है? चार है। इसको याद रखेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इसी तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मध्य स्वरों की संख्या कितनी है या मध्य स्वर कौन कौन से हैं। परीक्षा में आए तो क्या बताएंगे, मध्य स्वर कौन कौन से हैं? तो बताइएगा मध्य स्वरों की संख्या है सिर्फ एक। कितना है? सिर्फ एक। और क्या वो है? अ। अ बोलते हो ना, ये मध्य स्वर कहा जाता है। अ को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे मध्य स्वर का नाम दिया जाता है। याद रहेगा क्या? याद रहेगा आप सभी को, याद रहेगा ना। चलो वीडियो को शेयर करते रहो, मन लगा के शेयर करो, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो निवेदन आप सभी से दोस्तों कि वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा आगे बढ़ाएं ताकि लोग इसे देखें और पसंद करें, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, अग्र मध्य हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पश्च स्वर क्या होता है, ठीक है। पश्च स्वर क्या होता है या इनकी संख्या कितनी होती है? तो एक काम करो, जो चार पांच पढ़ लिए उनको बाहर कर दो, उनको बाहर कर दो, तो क्या बचेगा? अ पढ़ लिए थे। अच्छा ऐसे बाहर करो, ऐसे जैसे अ पढ़ लिए थे छोड़ दो, आ को यहां लिख दो, ठीक है। आ, ई को इधर लिखे थे, बड़ी ई को इधर लिखे थे, ऊ को इधर लिखे थे, बड़े ऊ को इधर लिखे थे। इसको बताए थे कि मध्य स्वर है, इसको बताए थे कि अग्र स्वर है, यही बताए थे ना। इनकी संख्या बताए थे एक है, इनकी संख्या बताए थे चार है। अब देखिए अ अ ई ई ऊ ऊ, अब क्या आ जाएगा दोस्तों? अब इसके बाद देखेंगे तो क्या आ जाएगा, अ आ ई, फिर कहोगे ए आए, नहीं तो ए आए आपको नहीं लेना है, ए आई को आप बाहर करिए, ए आए इनको क्या करिए आप यहां से बाहर निकालिए, ठीक है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और मिस्टेक, ठीक है। एक चीज सही करेगा दोस्तों, एक चीज यहां पे सही करेगा, अग्र स्वर जो था दोस्तों इसमें याद रखेगा ई ई और ए आता है, ऊ ऊ मत करिएगा, ठीक है। ऊ में क्या होता है कि ओष्ठ में जाता है और ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ए और ए करिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए अपने मन से, इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिए। देखिए बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट वाला ऐसा प्रश्न है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यहां से मिलेगा, लेकिन आपको एकदम मन से और ज्यादा ध्यान देखने की जरूरत है, ठीक है। तो याद रखेगा अभी मैंने यहां पर क्या किया था, ऊ ऊ लिख दिया था, लेकिन आपको यहां पर ऊ ऊ नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जब भी ऊ आवाज आती है ना, तो आवाज जिह्वा के पीछे की तरफ से आती है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, ऊ। तो याद रखेगा ऊ ऊ ओ ओ, जितने भी ये वो ओट को गोल करके जितने भी शब्द निकाले जाते हैं इसमें पश्च का इस्तेमाल होता है, इसलिए वो वहां पे जाएगा। तो याद रखेगा, और जो यहां पे भी लिखा है ये तो मध्य सही है, यहां पे जो आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इनकी संख्या चार है। तो अ आ ई ई, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब बताइए क्या पश्च स्वर में यहां पर क्या आ जाएगा, ऊ ऊ, क्या आ जाएगा, ऊ ऊ, ठीक है। फिर हो जाएगा ओ औ, दोनों आ जाएंगे, ठीक है, ओ औ, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, ए ए ओ औ, ये चारों हो गए और यहां पे आ गया। इसके अलावा एक एडिशनल होता है जिसको आप बोलते थे अर्ध विवृत, क्या बोलते थे, अर्ध विवृत। याद रखेगा आपने यहां पर क्या बताया कि आ क्या होता है, यह अर्ध विवृत होता है, ठीक है। तो ये जो अर्ध विवृत आ है ये भी इसमें शामिल होता है, तब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तीन चार पांच और छह, कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो याद रखें इनकी संख्या कितनी मानी गई है, छह मानी गई, ठीक है। इसके अलावा आपने इसको एक और नाम दिया था आगत स्वर का, क्या नाम दिया था, आगत स्वर का, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। परीक्षा में इतने तरीके से केवल स्वर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और हमेशा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखेगा, मन लगा के याद रखेगा, कभी भी गलती मत करिएगा। अभी भी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, अभी एक दो प्रश्न मैं आपसे और भी पूछने वाला हूं, जल्दी से बताइए। लिख रहा है संवृत्त स्वर है, कौन सा स्वर, संवृत्त स्वर है दोस्तों। हमने अर्ध संवृत्त, हमने अर्ध विवृत देखा, संवृत्त नहीं देखा। आप अलग से नोट कर लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप अलग से नोट कर लीजिए, अर्ध विवृत देखा आपने, ठीक है, अर्ध विवृत देखा। और इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, आ पढ़ा था, आ, ठीक है। यहां पे क्या पूछ रहा है, संवृत्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संवृत्त स्वर। तो जल्दी से बताइए मुझे कि संवृत्त स्वर कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं जो संवृत्त स्वर कहे जाते हैं, जल्दी से बताइए। संवृत स्वरों की संख्या होती है दो, कौन कौन सी होती है, तो याद रखिए बड़ा ई और बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ा ई और बड़ा ऊ, इसे कहा जाता है संवृत स्वर, क्या कहा जाता है, संवृत स्वर, ठीक है।
याद रखेंगे क्या, बड़ी ई और बड़े ऊ को क्या नाम दिया जाता है, संवृत स्वर का नाम दिया जाता है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। इसी तरह से देखिए घूम फिर करके प्रश्न आपके सामने पूछा जाता है, कुछ लोग हैं जो एकदम सही सही जवाब देते जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है उनके उत्तर को देख करके। ठीक है, चलिए बताइए अर्ध संवृत स्वर में क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम आपसे कहें कि संवृत स्वर में क्या कहा जाता है, आपने बताया कि संवृत में सर बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है, यह आपने संवृत में बताया, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अर्ध करोगे तो उसी का आधा हो जाएगा और इसका आधा हो जाएगा, यही हो जाएगा ना कि कुछ अलग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप यहीं पे बता दिए कि अर्ध संवृत स्वर क्या होता है तो अर्ध संवृत स्वर में क्या आएगा, आप इसी का आधा कर दो, इस ई का आधा कर दोगे तो छोटी ई हो जाएगा, इस ऊ का आधा कर दोगे तो छोटा ऊ हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये जो है क्या कहलाते हैं, अर्ध संवृत, और संवृत में बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताएं, समझ में आ रहा ना, बस मन लगा के शेयर करिए दोस्तों। निवेदन है आप शेयर जल्दी से करिए, जितना जल्दी हो सकता है शेयर करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। लिख रहा है विवृत स्वर क्या होते हैं। ठीक है, विवृत स्वर क्या होते हैं ये आपको बताना है, विवृत स्वर क्या होते हैं जल्दी से बताइए। विवृत स्वर देखिए, विवृत में क्या होते हैं, एक तो होता है आ, कुछ आप भी बताइए पहले अपने मन से, एक होता है आपका आ, कुछ और बताइए, दूसरा होता है ए, छोटा वाला मत करेगा, ए मत करेगा, ए आ ए, और इसी तरह से औ, क्या करेगा औ, सब बड़ा बड़ा करिएगा। ठीक है, सब दीर्घ वाले, आप ध्यान से देखिए ये दीर्घ वाले में, जैसे औ अगर आ का छोटा करेंगे तो यहां अ आ जाएगा, ए का छोटा करेंगे तो यहां ए आ जाएगा, औ का छोटा करेंगे तो यहां ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यही तो छोटा वाला आएगा, ये छोटा वाला आएगा ना। अच्छा, अब बात आती दोस्तों कि अगर यहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई अर्ध संवृत स्वर क्या होता है, क्या पूछ लिया जाए, अर्ध संवृत नहीं अर्ध विवृत स्वर क्या होता है, तो याद रखे दोस्तों कभी भी अर्ध विवृत स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखे उनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एक चौथा आएगा जो ऐसा होता है। ठीक है, इसको अर्ध विवृत भी कहा जाता है, यह अर्ध विवृत में भी रहता है और इसके अलावा यह आगत में भी रहता है, इसे आगत स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह दोनों जगह रखा जाता है, तो इसको आप इस तरीके से याद रखेगा, और विवृत अगर आपसे पूछे तो आप इसको याद रखेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिया, अब इससे ज्यादा आपको क्लियर नहीं कराया जा सकता। ये वही प्रश्न है जो घूम फिर करके आज तक आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, आज तक यही प्रश्न आए हैं, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया। अगर आपने इसकी स्टडी कर ली तो विश्वास करिए एक सिंगल प्रश्न भी आपसे परीक्षा में एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, सब यहीं से आएगा घूम फिर के। मैं बाद में क्या करूंगा ना, जब पेपर आपका होगा मैं स्क्रीन शॉट निकालूंगा, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है, सब आपको मिलेगा स्क्रीन शॉट, तब आपको याद दिलाऊंगा कि देखो जो मैं बोल रहा था वही प्रश्न यहां पर क्या हो रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको याद रखेगा। चलिए, अच्छा, जो लोग भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, जितना जल्दी हो सकता आप आकर के कोर्स ज्वाइन कर लें, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए करा विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, तो बताया तो कि अर्ध विवृत स्वरों में चार रखिएगा, कौन कौन सा, एक तो जैसे आ का छोटा ए वाला हो गया। ठीक है, देखिए अभी पीछे बता दिया, और इधर क्या बताया था, एक तो ए वाला आ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एडिशनल रखिएगा, इसके अलावा दो और आपको लेना है जो कि ए और अ से निकला हुआ था, तो क्या हो जाएगा यहां पर, हो जाएगा ए और ओ, क्या हो जाएगा, ए और ओ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा संख्या चार, और ये क्या कहलाते हैं, अर्ध विवृत स्वर कहे जाते हैं, अर्ध विवृत स्वर इसे कहा जाता है। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं और मजेदार देखते हैं। लिख रहा अयोगवाह कहलाते हैं, बताओ अयोगवाह किसे कहा जाता है दोस्तों, या बता दो अयोगवाह स्वर किसे कहा जाता है, अयोगवाह स्वर किसे कहा जाता है यह मुझे बता दीजिए। तो याद रखेगा दोस्तों अयोगवाह स्वरों की संख्या होती है दो, कौन कौन सा, एक आपका अनुस्वार होता है जिसको कि आप शामिल नहीं कर रहे थे, एक होता है विसर्ग कर लीजिए, अयोगवाह तो पूरे का नाम है, ठीक है, विसर्ग। ठीक है, तो याद रखेगा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था अंग, लोग जनरली ऐसे लिखते हैं ना अंग और अ, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, एक्चुअली में कैसे लिखना चाहिए, मात्रा ये होती है, ये मात्रा होती है, और इसको कैसे लिखा जाना चाहिए, ऐसे लिखा जाना चाहिए, अंग और अह ये होता है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है दोस्तों, तो अयोगवाह कहा जाता है।
इनको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। अलग अलग देखेंगे तो अनुस्वार और विसर्ग का नाम दिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, लिख रहा है कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, टोटल व्यंजन कितने होते हैं आपको यह बताना, ठीक है, एकदम सिंपल। हम लोगों ने पढ़ा टोटल स्वर के बारे में, यानी कुल स्वरों की संख्या हम लोगों ने पढ़ा, कुल स्वरों की संख्या, तो मैंने कहा परीक्षा की दृष्टि से रखिएगा 11, कितना, कुल स्वरों की संख्या 11, दो अगर और ऐड कर दोगे तो 13 हो जाएगा। वो दो क्या होते हैं, वो अयोग वाह होते हैं, ठीक है, अगर आप इसमें दो ऐड और करोगे जो अयोग वाह होते हैं अंग और अह, ठीक है, तब इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, इसको आप एक बॉक्स में रखो, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेगा दोस्तों व्यंजनों की कुल संख्या होती है 41, कितनी होती है 41, कितनी होती है 41, क्या किया जाए, तुरंत बताया जाए आपको कि वो 41 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए, शुरू किया जाए बताना, मजा आ जाएगा। देखो मैंने आपसे कहा था कि मैं 30 मिनट में आपको स्वर पढ़ा दूंगा, और स्वर पढ़ाते पढ़ाते 35 मिनट बीत गया और पता भी नहीं चला, केवल स्वर के ऊपर चर्चा हुआ, ठीक है। अब व्यंजन के ऊपर चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि स्पीड में आपको लेके चलूंगा ताकि आप चीजों को समझ पाओ, ठीक है। चलो एक एक पॉइंट दोस्तों नोट करिएगा, चलिए नोट करते हैं। हमने कहा आपसे कि दोस्तों यहां पर कुल संख्या कितनी होती है, 41 होती है। 41 में जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट याद रखेगा, क से लेकर के म तक, कहां तक, क से लेकर म तक कुल होता है 25, कैसे, अरे क ख क ख ग घ अंग ऐसे करके पांच पांच आएगा, तो एक क वाला वर्ड हो जाएगा, एक च का हो जाएगा, एक ट का हो जाएगा, एक त का हो जाएगा, एक प का हो जाएगा, तो क से लेकर म तक अगर आओगे आप तो ये 25 इनकी संख्या मिलेगी। और इन 25 को क्या कहा जाता है, इन 25 को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, क्या कहा जाता है दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उनको अंतस्थ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंतस्थ, ठीक है। अभी अंतस्थ वाले में कौन कौन से होते हैं तो याद रखेगा दोस्तों, ये आपका दूसरा पॉइंट है, य र ल और व, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो कुल संख्या हो जाती है 4, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 4 आपके और आएंगे, क्या आ जाता है, य र ल व, फिर आ जाता है श, बड़ा वाला स, ख स और ह, ये भी आ गए हैं 4, और इनको कहा जाता है ऊष्म, क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब इनके बोलने से गर्मी पैदा होती, कैसे, आप ऐसे हाथ लगा के बोलो श ख श ह, तो गर्मी पैदा होती है, तो याद रखे उसमें व्यंजन कहलाते हैं। ये हो गए 4, तो 25, 4 29, 4 32, ठीक है, अभी तो 32 तक पहुंचे हो, ठीक है। अब इसके बाद कहां आ जाएंगे दोस्तों, अब देखिए इसी में अलग अलग शामिल होंगे, अलग अलग शामिल होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक आता है चौथे नंबर पे उत्क्षिप्त, कौन सा आता है, उत्क्षिप्त, एक बार समराइज करके आपको पढ़ा दे रहा हूं, फिर अभी आगे एक एक बात डिटेल से करूंगा और यहीं से प्रश्न पूछूंगा और आप कंफ्यूज होंगे। अभी आपसे पूछूंगा कि अंतस्थ में कितने होते हैं, तो क्या बताओगे, 4 होते हैं, य र ल व, 4 होते हैं। उत्क्षिप्त में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा उत्क्षिप्त की संख्या होती है 2, कौन कौन से होते हैं 2, तो याद रखिए एक ड के नीचे क्या होता है, ऐसे लगा होता है, एक ढ के नीचे ऐसे लगा होता है, ठीक है, लगा होता ना, जब कभी आप लिखते हो घोड़ा, ठीक है, क्या लिखते हो, घोड़ा, तो ये होता है दोस्तों, याद रखे वहां पर इस तरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो आप वर्ड में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, ट ठ ड ढ ड, वो ड पढ़ते हो, वो ड पढ़ते हो, ठीक है, डमरू वाला ड पढ़ते हो, ये क्या होता है, इसको ड पढ़ा जाता है। घोड़ा लिखते हो ना, घोड़ा लिखते हो तो कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, घो और ड ऐसे लिखते हो, ठीक है, ये होता है ना, तो याद रखिए यही उत्क्षिप्त व्यंजन है। जब कभी आप ढक्कन लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो ढक्कन, ठीक है, तो याद रखिए क्या कहलाता है, यही उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। तो परीक्षा में बहुत बार आपसे पूछा गया है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, ये आप बताइए, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों दो अन्य आगत व्यंजन भी होते हैं, जैसे एक आगत स्वर आपने पढ़ा, आगत स्वर पढ़ा, तो उसमें पढ़ा ये होता आगत स्वर, ठीक है, और यही अर्ध विवृत्त स्वर कहा जाता है, ये आपने पढ़ा। यहां पर भी आगत व्यंजन होता है, क्या होता है, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन मतलब जो किसी दूसरी भाषा से उठकर के चला आया, रिश्तेदार है भैया, रिश्तेदार है, तो आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इनकी भी संख्या कितनी होती है, दो होती है, कौन कौन सी, एक तो ज होती है, एक तो फ होती है, ठीक है, ज और फ दोनों के नीचे बिंदी लगे होते हैं, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ताजमहल, क्या लिखते हो दोस्तों, आप लिखते हो ताजमहल, तो ताजमहल में हमेशा देखे ताज में यह लिखा जाता है ताजमहल, ठीक है, तो याद रखेगा इनकी संख्या दो होती है, त और फ, ठीक है, याद रखेगा ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। और क्या होता है,
अब इसके अलावा आता है छठा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर आता है संयुक्त व्यंजन का। संयुक्त की संख्या कितनी होती है? चार होती है। और वो संयुक्त होते कौन कौन से हैं? तो याद रखे दोस्तों, आप पढ़ते हो छत्री वाला, छत्र ज्ञ और श्र, छत्र ज्ञ और श्र, ठीक है। तो याद रखेगा, ये इस समय कुल व्यंजनों की जितनी संख्याएं हैं वो मैंने डिटेल में आपको नोट करा दिया, एक बार मैच करा लो। देखिए कितना हो जाएगा, 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 34, 35, 36, 37 और 37 के बाद 37 और 4 कितना हो जाएगा, 41। खत्म हुआ कहानी, मजा आया आपको पढ़ के। तो 41 इसकी संख्या हो गई। तो अगर आपसे पूछे कुल व्यंजन, टोटल व्यंजन कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे, 41 व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अलग अलग ढंग से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में उसको देख लेते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछता मूल व्यंजन कितने होते हैं, यार एक ही दिमाग कितनी बात रखा जाए इसमें, ये कितने होते हैं, वो कितने अरे बहुत कुछ रखना पड़ता है भाई, बहुत कुछ रखना पड़ता है। कभी आपसे पूछे मूल व्यंजन कितने होते हैं तो क्या बताएंगे, देखिए कुल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, तो याद रखिए यार क्या हो जाता है, कुल व्यंजनों की संख्या होती 41, ठीक है। और अगर आपसे मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो बताएगा मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है संख्या, 33। मूल व्यंजन कितने होते हैं, मात्र मात्र 33 होते हैं। कौन कौन से, तो चलिए पीछे हम आपको गिना देते हैं कि मूल व्यंजन में और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मूल व्यंजन में देखिए दोस्तों, ये 25 आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये 25 ले लिया जाता है, 25 चार कितना हो जाता है 29, और 29 और चार कितना हो जाता है 33, ठीक है। मूल में इतने ही लिए जाते हैं, ये छत्रज्ञ भी नहीं लिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये अन्य से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको काउंट नहीं किए हैं, मूल व्यंजन में बात आके ही समाप्त हो जाती है। तो इनको याद रखेगा, अगर कभी परीक्षा में कुल पूछे तो 41 उत्तर है, और मूल पूछे तो 33 बताइएगा, क्या बताइएगा, 33 बताइएगा, गलती मत करिएगा। वीडियो और शेयर कर दीजिए तो मैं और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराता हूं। चलिए, जैसे दोस्तों शुरू में हमने पढ़ा था कि संस्कृत भाषा में स्वर को क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वर को क्या कहा जाता है आपने पढ़ा, तो अब बता दीजिए कि संस्कृत भाषा में व्यंजन को क्या कहा जाता है। भाई परीक्षा में पूछने वाली बात है, आज स्वर पूछा, कल आपसे व्यंजन पूछ दिया, तो आप क्या करोगे, ठीक है, जल्दी से बताओ कि यहां पर क्या कहा जाता है व्यंजन को, ठीक है। स्वर को जैसे हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, स्वर को नाम दिया जाता अच का, क्या बोलते हैं, अच का। तो व्यंजन को क्या नाम दिया जाता है, याद रखे व्यंजन को कहा जाता है हल, क्या कहा जाता है, हल। संस्कृत भाषा में व्यंजन को क्या कहा जाता है, तो याद रखे दोस्तों, इसको नाम दिया जाता है हल का, क्या बोलते हैं, हल कहा जाता है, समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी देखते हैं। करम मूल व्यंजन में कौन सा नहीं आता है, सर क्या फंसा के हमको पूछने जा रहा है कि मूल व्यंजन में कौन सा नहीं आता है, अरे तो बताओ ना मूल व्यंजन में कौन सा नहीं आता है, एक बात बताओ, हम लोग एक तरफ लिख दो कौन सा आता है, एक तरफ बता दो कौन सा नहीं आता है, एक बार में बता दो बात खत्म हो जाए। तो आता कौन कौन सा है, हमने पढ़ा था दोस्तों क से म तक, जिसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ये तो आता है, इनकी संख्या कितनी थी 25, ये तो आता है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्या था, दूसरा था अंतस्थ व्यंजन, ये भी आता है, इनकी संख्या होती 4। तीसरा क्या था दोस्तों, तीसरा क्या था, उष्म व्यंजन जो गर्मी देते हैं, ठीक है, तो ये भी आते हैं, इनकी संख्या भी 4। ये आने वाले हैं, आपसे क्या पूछा है कौन सा नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है, याद रखिए आपने पढ़ा था आगत व्यंजन, जो रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार कौन था, ये ज था, ये फ था। आपने पढ़ा था उत्क्षिप्त के बारे में, किसके बारे में पढ़ा था, उत्क्षिप्त के बारे में पढ़ा था, कौन सा उत्क्षिप्त था, जिसमें आपने पढ़ा था घोड़ा वाला और ये ढक्कन वाला, ये थे। और आपने पढ़ा था संयुक्त के बारे में, ठीक है, संयुक्त के बारे में, इसमें क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था छत्र ज्ञ और स्र, ये चार आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं दोस्तों जो नहीं आती हैं, यही दो बात आपसे पूछेगा, बता दिया एक बार में यार, एक बार में बता दिया, अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इतनी बात है, इसके अलावा और कोई बात यहां पर नहीं है। तो याद रखेगा कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता है, दोनों बातें आपके सामने हो गई, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। चाहे तो संख्या भी गिन सकते हैं, ये 33 आते हैं, आने वाले कितने हैं 33, कितने नहीं आते हैं, तो याद रखिए ये दो और ये चार, तो चार चार आठ, आठ जो नहीं आते हैं, तो 33 आएंगे, आठ नहीं आएंगे, ठीक है, ये हो गया। 33 आठ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, काम खत्म, दोनों बात हो गई ना, कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख रहा है कौन सा व्यंजन आता है, बताया तो कि कौन सा आता है, जो आने वाले में है उसमें है स्पर्शी वाले आते हैं, अंतस्थ आते हैं और उष्म आते हैं, ठीक है, ये आते हैं, ये रहते हैं क से लेकर म तक, ये रहते हैं दोस्तों य र ल और व तक, ये रहते हैं श, बड़ा वाला स रहेगा, ठीक है, स
ख स और ह तक, ठीक है। तो ये आपके हो गए, यही वो व्यंजन है जो आते हैं। तो आने वाले की संख्या कितनी होती है? 33, ठीक है। कह रहा है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। स्पर्श व्यंजन दोस्तों स्पेशली कितने होते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि क से लेकर म तक क्या होते हैं, म तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। कैसे? एक आपका क वर्ग का होता है, क ख ग घ ङ, दूसरा च वर्ग का होता है, तीसरा क्या होता है? ट वर्ग का होता है, तीसरा त वर्ग का होता है और अंतिम में प वर्ग का होता है। तो पांच यहां, पांच यहां, पांच यहां, पांच यहां, पांच यहां, कुल मिलाकर के हो गया संख्या 25। कितना हो गया संख्या? 25। ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 25 आ जाएगी, ठीक है। करा उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो उत्क्षिप्त में हमने पढ़ा था दो होती है, एक घोड़ा वाला और एक ढक्कन वाला, ठीक है। तो याद रखेगा उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? दो होती है। कौन कौन सा ये आपको बता दिया, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको एक सिंगल सवाल भी मिलने वाले हैं। आप लोग खूब प्रैक्टिस सॉल्व करिएगा। आप कहोगे सर प्रैक्टिस कहां से जाए सॉल्व करने, किताब लें क्या? नहीं, किताब मतलब स्टडी 91 जिंदाबाद है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन पे जाकर के सब्जेक्ट में आओ और सब्जेक्ट में जाकर के हिंदी चूज करो। हिंदी चूज करके जितना इच्छा हो भाई आप उतना प्रैक्टिस करो, कम से कम इस चैप्टर में आपको जो है 100-200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जी भर के प्रैक्टिस करो। कम लगता है तो बताओ मुझे कि नितिन सर मेरा पेट नहीं भरा क्वेश्चन हल करके, मुझे और क्वेश्चन चाहिए। फिर अगर मैं ना दूं तो बताओ, एकदम जी भर के क्वेश्चन देंगे, ठीक है। लिख रहा है आगत व्यंजन कितने होते हैं, इसको तो याद रखिए रिश्तेदार हैं, ये रसेदार मत बोल दीजिएगा, ठीक है। ये रिश्तेदार है दोस्तों और रिश्तेदार कितने हैं? दो, ठीक है। तो याद रखिएगा ज और फ, इनकी संख्या कितनी है? दो है, ज है और फ है। बोलते कैसे हैं? जो जो जो, थोड़ा गर्मी लाते हैं, जो जो फ फ, ठीक है। तो याद रखेगा ये होते हैं आगत व्यंजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है चार। कौन कौन से? य र ल और व, यर ल, ठीक है। यर ल क्या होते हैं दोस्तों? ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन इन्हें कहा जाता है। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इनकी भी संख्या चार है, जिनसे गर्मी पैदा होती है उष्म, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर हो जाएगा श ख, खटकोड़ वाला स, ठीक है, फिर छोटा स, फिर ह। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये आपके कहलाते हैं उष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं यहां पर? इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। लिख रहा है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो चार। कौन कौन सा? छत्री वाला छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। छत्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। ये हो जाता है आपके चार संयुक्त व्यंजन, ठीक है। यहां पर भी कभी कभी आपसे पूछ देता है कि छ का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा है। तो याद रखिए छ का निर्माण कैसे होगा दोस्तों? यहां पर याद रखिए क, क आधा रहेगा इसलिए हलंत लगाते हैं और यहां पर आता है खटकोड़ वाला स, ठीक है। तो क और छ को मिलाकर बनता है छ, और त्र में क्या होता है दोस्तों? आधा त मिलता है और र मिलता है, आधा त और पूरा र को मिलाकर के त्र का निर्माण होता है। ज्ञ में क्या होता है दोस्तों? ज्ञ में क्या रहेगा बताइए? ज्ञ में बताइए, ज्ञ में। इसी तरह से आपको आगे, अभी अभी इस पे मत जाइए, यहां पर आएंगे तो मैं आपको निर्माण सिखाऊंगा। ये टॉपिक आप यहां मत लीजिए, क्यों? मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो आपको इसमें निर्माण बताऊंगा, प्लस इसमें संधियों से संबंधित चीजें बताऊंगा, आपको बताऊंगा संयुक्त स्वर। तो आपने पढ़ा संयुक्त स्वर में कौन सा था? वो ए ऐ ओ वाला, ठीक है। तो वहां पर भी चीजें विच्छेद की जाएंगी, अलग की जाएंगी, क्योंकि मूल में तो आते नहीं है, मूल में आते नहीं, इसका मतलब मिला के बने हैं, मिला के बने तो किस किस को मिला के बनाया गया, ये सभी बातें दोस्तों यहां पर किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अर्ध स्वर कहलाते हैं, किसे दोस्तों अर्ध स्वर कहा जाता है बताओ? अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? बड़ा कठिन क्वेश्चन है व्यंजन में और नाम दिया जाता है अर्ध स्वर का, किसे? तो याद रखे जो अंतस्थ वाले होते हैं ना, इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। कौन से वाले? अंतस्थ वाले, अंतस्थ। और आपने पढ़ा अंतस्थ में कौन कौन से होते हैं? तो आपने पढ़ा य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है, ठीक है। ये आपके अंतस्थ में होते, ठीक है। आज की क्लास दोस्तों हम लोग अभी चलती रहेगी, घबराई मत। आज की क्लास में अभी हम लोग इतना बात किया, अभी हम लोगों को जो हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला है, अभी इसमें देखो हम लोग को क्या पढ़ना है? सघोष पढ़ना है, अघोष पढ़ना है, ठीक है, महाप्राण पढ़ना है, अल्प प्राण पढ़ना है, इस तरह से चीजों को पढ़ते हुए फिर पढ़ना है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कौन सी कंठ वाली ध्वनि है, कौन सी तालु ध्वनि है, ठीक है। उसी तरह से व्यंजन में, उसी तरह से स्वर में कौन सी कंठ तालव्य है, इस तरह से होता है ना। तो याद रखिए ये सब हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में कल पढ़ा जाएगा, आज नहीं, इसके बारे में कब पढ़ा जाएगा हम लोग? कल पढ़ा जाएगा। लुंठित व्यंजन है बताइए, लुंठित व्यंजन की संख्या सिर्फ एक होती है,
कौन सा है लुंठित व्यंजन? तो याद रखे दोस्तों, लुंठित व्यंजन होता है कौन सा, कौन सा होता है? र। जल्दी से बताओ लुंठित व्यंजन कौन सा है? र। ल। कई लोग बोलते हैं दोस्तों ल, ल नहीं होता मेरे भाई, लुंठित व्यंजन क्या होता है? र को कहा जाता है लुंठित व्यंजन। ऐसा नहीं कि ल से शुरू हुआ तो ल बोल दे, ऐसा नहीं है। याद रखेगा लुंठित व्यंजन होता है कौन सा? र आपका लुंठित व्यंजन, र आपका लुंठित व्यंजन होता है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो यहां पर होता है दोस्तों ल। कौन सा होता है? ल। ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखे। कुछ दिक्कत हो रहा है क्या नेट में? चलो तो देखते रहिए दोस्तों, यहां पर पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो याद रखेगा ल को कहा जाता है। चलो ऊष्म व्यंजन, ठीक है। देखिए ऊष्म व्यंजन तो आपको पहले बता दिया हूं कि चार है, कौन कौन से? बड़ा वाला स, छोटा वाला स, खटकोड़ वाला स और ह। याद रखेगा ये चार हैं, ये आपके क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ऊष्म संघर्षी कौन होते हैं दोस्तों? तो यार मेरे, जो ऊष्म होते हैं वही ऊष्म संघर्षी होते हैं, अलग नहीं हुए। ठीक है, ऊष्म को ही ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है, मतलब वही चार हैं स ख स ह ही आपके सही उत्तर होंगे। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? देखिए वर्णमाला में अगर कुल वर्ण आपसे पूछ लिया, मतलब आपसे स्वर और व्यंजन को मिला के पूछ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमने पढ़ा दोस्तों कि व्यंजन की संख्या कितनी है? 41। ठीक है, यही ना पढ़ा? चलो और क्या पढ़ा हम लोगों ने? और हम लोगों ने पढ़ा स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या पढ़ा 11। तो कितने हो जाएंगे? 50, एक 51, एक 52। ठीक है, तो याद रखेगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखेगा कितनी है? 52 है, 52। ठीक है, वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। डेली ये क्लास दोस्तों रात को 9 बजे चलती है, तो आप एक्टिव हो ही रहेगा ताकि और भी ज्यादा मजा आए। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, लिख रहा है संस्कृत में वर्णमाला की कितनी संख्या होती है। तो याद रखे संस्कृत वाले में वर्णमाला की संख्या होती है 50। मैं इसलिए नहीं रुक रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। यहां पर क्या होता है संस्कृत वाले में, अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वरों में 13 काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम व्यंजन की बात करें तो यहां पर व्यंजन में दोस्तों 33 काउंट किए जाते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 33, 10, 43, 44, 45, 46, 46। और याद रखिए व्यंजन हो गया, और यहां पर अयोग वा वाले को भी लिया जाता है दोस्तों, जो अयोग वा में होते हैं, और वहां पर अयोग वा लिया जाता है 4। कितना लिया जाता है? अयोग वा संस्कृत में लिया जाता है 4। तो यहां पर हो जाती है 13 33 4, कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो संस्कृत वर्णमाला में कुल संख्या वर्णों की कितनी होती है? तो याद रखेगा 50 यहां पर क्या होती है? कुल संख्या होती है। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या तो बता दिया ना। अच्छा, स्वरों की कुल संख्या तो बता दीजिएगा, स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 13 है। ठीक है, याद रखेगा। तो अच्छा, यही समाप्त हो गया क्या? चलिए, हो सकता है हमारा आखिरी प्रश्न आओ, तो यहीं पे चीजें समाप्त होती हैं, और मिलते हैं कल हम लोग। ठीक है, और फिर इसी टाइम पे आते हैं और हिंदी वर्णमाला का द इंड करते हैं, और इंड करने के बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। और इसी तरह से हम लोग, कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर चैप्टर पे मैं सिर्फ 2 दिन बात करूं, ऐसा नहीं कि 2 दिन से ज्यादा नहीं, 2 दिन में आपका चैप्टर द इंड करूंगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। हाँ, कुछ बड़े चैप्टर हैं जैसे संधि समास, आपको इन्हीं से डर लगता होगा, लेकिन उसका भी द इंड मैं सिर्फ 2 ही दिनों में करूंगा। बहुत आवश्यकता महसूस हुई तो 3 दिन में करूंगा, अन्यथा 2 दिन में जो है आपका चैप्टर यहां पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। एक बात और है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं स्टडी 91 का कोर्स ज्वाइन करना, तो स्टडी 91 बहुत सारे पेड कोर्स अवेलेबल करा रहा है। आप एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर विजिट करके उन पेड कोर्सेस को देख सकते हैं, जहां पर बेहतरीन टीम के द्वारा आपको चीजों को पढ़ाया जाता है। अगर आप चाहते हैं सच में आपका सिलेक्शन हो, तो एक मौका हमें दीजिए और देखिए कि उन चीजों में स्टडी 91 कैसा रोल प्ले कर रहा है। जो स्टडी 91 आज आप लोगों की सहायता से, हेल्प से, मदद से आज 35 लाख के परिवार तक पहुंचा है, आप सोचो कि अगर फ्री में इतनी चीजें बेहतरीन दी जा रही हैं, तो पेड में हम लोग कितना मेहनत करते हैं, शायद इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, तब तक जब तक कि वह व्यक्ति ज्वाइन न किया हो। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा दोस्तों, कल एकदम रेडी रहेगा 9 बजे। ठीक है, खा पी करके आज हो सकता है आपको पता ना रहा हो, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लेट हो गया आप लोगों को, लेकिन कल से आप एकदम तैयार रहेगा ताकि और भी ज्यादा मजा आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।